वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। क्लास 10th मैथमेटिक्स जो यूनिट 1 हम कर रहे हैं रियल नंबर में, तो उसमें हमने 1.2 एक्सरसाइज देखी थी, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो गाइस, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। आप सभी ने क्लास 9th में ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं। अगर किसी को उनके बारे में कुछ डाउट है तो वो मेरी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th मैथमेटिक्स में जाके वहाँ पे आप ये फिर से देख सकते हो अगर किसी को कुछ डाउट है तो। वैसे तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा यहाँ पर। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, और साथ में उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है कि उसी के आगे कि हमने इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करना है ना। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी वटा क्यों की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, और साथ में सारे के सारे प्राइम नंबर्स के जो रूट होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं, है ना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं खाली। तो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। अब ये रूट फाइव इरेशनल तो है, लेकिन इसको आपने प्रूव करके बताना है ना, इसको आपने प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले आप एक चीज देख लो, यहाँ पे इसको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। आप कभी भी कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगर आप रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ चाहे प्लस करते हो, चाहे माइनस करते हो, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इन चारों में से कुछ भी करो एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, तो उनका आंसर में इरेशनल ही आता है। ये चीज़ याद रखना, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से या तो प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो आंसर में इरेशनल नंबर ही मिलता है ना। ये 9th क्लास का टॉपिक है और ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप दो सेम नंबर को, जैसे कि इरेशनल को इरेशनल से कोई भी कैलकुलेशन करो, ठीक है, अर्थमेटिक प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो इसमें रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और अगर आप रैशनल को रैशनल से करते हो तो फिर रैशनल ही आता है। रैशनल को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो या डिवाइड करो, तो आंसर में रैशनल ही आता है। बस जब इरेशनल को इरेशनल से करोगे तो वो कुछ भी आ सकता है, और जब रैशनल को एक रैशनल और एक इरेशनल होगा तो आंसर में इरेशनल ही मिलेगा। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ बेसिक चीज़ है ना, ये आपको आनी चाहिए। और इसमें जैसे कि ये बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज़ इरेशनल, तो अब हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये इरेशनल है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ, ठीक है। इसकी एक थ्योरम है यहाँ पे, वो आपको पहले आनी चाहिए, फिर आप प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये थ्योरम है, ये वाली थ्योरम नंबर 1.3, थ्योरम नंबर 1.3। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे रूट, सारे प्राइम नंबर्स के रूट, और पाई हो गया, पाई की वैल्यू जो होती है वो इरेशनल होती है, जैसे रूट टू डिवाइड बाई रूट थ्री, इस तरह के जो भी नंबर हैं ऐसे, ये सब क्या है, इरेशनल कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कह रही है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। मान लो कि पी एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। इफ़ P डिवाइड्स ए स्केयर, अब ये ए स्केयर क्या है, पहले आप ये देखो कि A एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल में भी बताऊंगा, A हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, अगर उसको प्राइम नंबर जो है वो उसका फैक्टर है, मतलब वो नंबर जो है प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर वो A के, अगर A का हम स्केयर निकालें तो A के स्केयर से अगर वो हो रहा है तो मतलब A से भी होगा। तो ये मैं आपको आगे प्रूव करके बताता हूँ यहाँ पर, फिर हम ये आएंगे इस थ्योरम नंबर 1.4 पे कि रूट टू को इरेशनल कैसे बताना है। पहले आपको रूट टू का पता होना चाहिए, रूट थ्री का पता होना चाहिए, फिर जाके आप रूट फाइव निकाल पाओगे। तो ये देखो, हमने रूट थ्री को भी ऐसे प्रूव करके बताना, और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ 1.3 क्या कहती है। तो जो ये थ्योरम है, थ्योरम 1.3 ये क्या कहती है कि अगर आप क्या करते हो, किसी प्राइम नंबर को
ये जो आप प्राइम नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो किसके साथ, या मान लो कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो अगर डिवाइड हो जाता है किसी नंबर के ए के स्केयर के साथ, तो मतलब यही प्राइम नंबर डिवाइड्स आल्सो डिवाइड्स ए। अगर ये प्राइम नंबर ए के स्केयर को डिवाइड कर सकता है, मतलब यही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड कर सकता है, थ्योरम ये कहती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। मान लो ये प्राइम नंबर हमारे पास क्या था, ये कुछ भी हो सकता है, प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। मैं मान लेता हूँ प्राइम नंबर मेरे पास 3 है। जैसे प्राइम नंबर कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो मेरे पास 3 हमें पता है प्राइम नंबर है, जिसके खाली दो ही फैक्टर हैं। और अगर मेरे पास मैं ए को ये मान लूँ, ए को मैं मान लेता हूँ 12 मान लूँ, अगर मैं ए को 12 मान, या 12 नहीं, मुझे 3 का इसका मैं कोई ए ले लेता हूँ, छोटा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 6 ले लेता हूँ, ए को मैं अगर 6 मान लूँ, है ना, ए को मैं अगर 6 मान लेता हूँ, तो देखो इस चीज़ को आपने देखना है। अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर 3 ले लिया और ए को मैंने 6 मान लिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो पहले प्राइम नंबर लिख लेता हूँ, प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 6। अब ए क्या हमारे पास, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा है, तो ये कैसे आएगा, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मैं स्केयर ले लेता हूँ, उसने बोला ना कि अगर प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्केयर, तो अगर प्राइम नंबर क्या है 3, ये अगर डिवाइड कर सकता है ए का स्केयर, ए क्या 6, तो 6 के स्केयर को डिवाइड कर सकता है। मीन्स 3 डिवाइड्स, इफ 3 डिवाइड 6, 6 आर कितना होता है, 6 का स्केयर मतलब 6, 6, 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 आर कितना होता है 36। तो क्या 3 1 आर 3, 3 12 आर 36, तो ये इसको डिवाइड कर सकता है ना, 3 12 आर 36, 3 12 आर 36, तो ये जो प्राइम नंबर है ये 36 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये ए के स्केयर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखो प्राइम नंबर डिवाइड्स ए का स्केयर, तो मीन्स ये प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड कर सकता है ना, ए को भी डिवाइड कर सकता होगा, यही थ्योरम कहती है। तो प्राइम नंबर 3 है तो डिवाइड बाई ए क्या था हमारे पास 6, तो देखो 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, इसको भी डिवाइड कर सकता है ना। मतलब यही हमारी थ्योरम कह रही है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक प्राइम उसका कोई भी प्राइम, मतलब जो भी नंबर होगा, ये जो प्राइम नंबर होंगे उसके फैक्टर होंगे, उस नंबर के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कोई भी है जिसका हमने रूट वगैरह निकालना है, जिसको हमने प्रूव करना है, वही प्राइम नंबर होगा। अगर ये हमारा एक एक स्केयर को डिवाइड कर सकता है, मतलब ए को भी डिवाइड कर सकता है, तो यही थ्योरम कहती है। ठीक है, तो अभी मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं, दूसरी थ्योरम पे बात करता हूँ मैं। जैसे रूट टू बोल रहा था यहाँ पे, ये बोल रहा था कि रूट टू टू को आपने प्रूव करना है ना, ये थ्योरम हमारी रूट, ये बोल रहा है कि रूट टू इज इरेशनल, इसको आप प्रूव करके बताओ, रूट टू को क्या करके बताओ, इरेशनल प्रूव करके बताओ। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम एक कंट्राडिक्शन की टेक्निक यूज करेंगे, टेक्निक ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, ना मानना। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम इस ये हमें पता है ये इरेशनल है, तो हम इसको इरेशनल नहीं मानेंगे, हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। कंट्राडिक्शन की टेक्निक के अकॉर्डिंग हम इसको रैशनल मान के चलेंगे, तो फिर हम इसको प्रूव करके बताएंगे कि ये इरेशनल कैसे है। ठीक है, तो देख लो मैं यहाँ पे करता हूँ थ्योरम नंबर 1.4, थ्योरम नंबर 1.4। रूट टू इज इरेशनल, कि इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं लेट रूट टू इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हम इसको मान लेते हैं कि रूट टू रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कैसे होगा, जब ये पी वटा क्यू की फॉर्म में होगा, इक्वल टू पी वटा क्यू की फॉर्म में होगा, यही मान सकते हैं ना, या इसको आर ऐसे ए बटा बी भी कह सकते हो, ए बटा बी या पी बटा क्यू, जो मर्जी लिखो, है ना। तो हम इसको ए बटा बी भी मान सकते हैं, तो हम ऐसे मान सकते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ रूट टू इज इक्वल टू ए बटा बी, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये ए बटा बी क्यों लिखा, क्योंकि रैशनल का जो रैशनल नंबर है उसका फार्मूला क्या होता है, या उसकी पहचान क्या होती है कि वटे में लिखना, तो ए बटा बी मैंने लिखा। अब रूट टू अगर ए बटा बी की शेप में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ये जो टू है हमारा, ये प्राइम नंबर है ना, टू हमारा प्राइम नंबर होगा। तो ये जो ए और बी होंगे, ये दोनों कंपोजिट नंबर होंगे, ये चीज़ याद रखना, ये समझने वाली चीज़ है। ए और बी क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं,
हम ये मान के चल रहे हैं कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये जो ए बटा बी होंगे, हम ये मानते हैं कि ये कंपोजिट नंबर होंगे, और ये जो रूट टू है ये, हम खाली टू की बात कर रहे हैं, रूट की बात नहीं कर रहे। ये जो नंबर है टू, ये इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब ये इनसे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो इसका बटा कुछ नहीं तो वन, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट टू मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा, रूट टू बी, या बी टाइम रूट टू इक्वल टू वन ए आर ए, ये वैल्यू आती है ना, आती है, ठीक है। तो अभी हमने, मैं क्या करता हूँ, स्केरिंग बोथ साइड कर देता हूँ यहाँ पे, स्केरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्केरिंग करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, देखो बी रूट टू इस पूरे का होल स्केयर हो जाएगा इक्वल टू ए का स्केयर, दोनों साइड मैंने स्केयरिंग कर ली ना, यहाँ कितना हो जाएगा, अब देखो ये बी का स्केयर भी है और रूट टू का भी स्केयर स्केयर है, तो बी का स्केयर कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी का स्केयर मतलब बी का स्केयर ही रहेगा रूट टू। अब ये रूट टू का स्केयर में से स्केयर और रूट कट जाएगा खाली इसका, लेकिन इसका स्केयर इधर अलग रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये स्केयर दोनों का है, तो बी का स्केयर जब लिख लिया तो रूट टू का स्केयर, या इसको छोड़ो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप ऐसे लिखो, यहाँ पे लिख लो रूट टू का होल स्केयर, ऐसे लिख सकते हो, इजिकल टू ए का स्केयर। तो यहाँ से स्केयर और रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टू टाइम बी स्केयर इजिकल टू ए स्केयर, हमारे पास क्या बचा, यहाँ से ये खाली टू बचा ना, ये बी स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर बचा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये देख लेना, यहाँ पे हम जो मैंने आपको अभी थ्योरम बताई थी वो काम आएगी। देखो ये क्या कह रहा, थ्योरम क्या कह रही थी कि ये जो ए स्केयर है हमारे पास, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये इस टू का, टू को टू से डिवाइड होना चाहिए, ये इस टू से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये टू इसका फैक्टर होना चाहिए। तो अगर ये ए स्केयर यहाँ पे, ये ए स्केयर टू से अगर डिवाइड हो सकता है, तो मतलब खाली ए भी टू से डिवाइड हो सकता है ना, मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर ए स्केयर डिवाइड्स टू देन ए आल्सो डिवाइड्स टू, मतलब ये टू क्या प्राइम नंबर है, तो ये इस पॉजिटिव इंटीजर से, ये पॉजिटिव इंटीजर ए स्केयर भी इससे डिवाइड हो सकता है, और ये ए भी इससे डिवाइड हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट ए को हम क्या मान लेते हैं, इजिकल टू कोई और इंटीजर ले लेते हैं, ए इजिकल टू जैसे यहाँ पे टू बी स्केयर था ना, तो मैं इसको टू सी मान लेता हूँ, ये सी मैंने खुद से एक इंटीजर ले लिया, यही टेक्निक कहती है कंट्राडिक्शन की। तो हमें क्या मान लेना है, इसको कोई और इंटीजर मान लेना, लेकिन ये वाला टू ये साथ रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड किससे हो रहा है, इस टू से हो रहा है, तो ये टू यहीं रहेगा, बस कोई और इंटीजर ले लेना, मैंने सी तीसरा इंटीजर ले लिया, किसी और, फॉर अदर इंटीजर, किसी और इंटीजर की वैल्यू मैंने क्या कर ली यहाँ पे, मैं स्पेलिंग में देख लेना आप, ठीक है, ए इज इक्वल टू टू सी मान लिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं, तो इसी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पुट ए इज इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार क्या थी, टू बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर था, जहाँ पे ए स्केयर है, ए है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो तो ये कितना हो जाएगा, टू बी का स्केयर वैसे ही रहेगा इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे ये स्केयर है, तो बीच में क्या है, ए है ना, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, टू सी आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब इसका स्केयर ले लो, टू बी का स्केयर इज इक्वल टू 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 आर, अब टू को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करना है, टू का स्केयर भी है सी का स्केयर भी है, तो टू टू आर फोर हो जाएगा, सी का स्केयर ही हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो ये जो टू है यहाँ पे, ये टू इस फोर के साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब टू टू आर फोर होता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बी स्केयर इज इक्वल टू टू सी स्केयर लिख सकते हैं ना। मतलब क्या हुआ, देखो ये बी स्केयर जो है, ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बी स्केयर जो, अब यहाँ पे वो ए स्केयर नहीं रहा, अब यहाँ पे ये बी स्केयर आ गया, वो ए स्केयर खाली आपको बताने के लिए था, ठीक है। अब हमने ये देखो, ये बी स्केयर अगर इस टू से डिवाइड हो रहा है, तो खाली बी भी टू से डिवाइड होता होगा, तो ये हम कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग खाली मान के चल रहे हैं। अब देखो हमारे पास ये, मैं बी की वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख दूँ, खाली बी निकालूँ, तो बी की क्या हो जाएगा, ये रूट टू, और ये जो इसका सी का भी रूट हो जाएगा ना, सी स्केयर का भी रूट हो जाएगा, ये बी का स्केयर उधर जाएगा, तो दोनों का रूट हो जाएगा, तो ये और ये रूट कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू रूट टू सी, रूट टू सी हम मान सकते हैं, सी अलग हो जाएगा, लेकिन रूट किसका रहेगा, खाली
टू का रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये खाली बी को अगर मैं मानूँ ये तो रैशनल हो सकता है, लेकिन ये रूट टू है ये तो इरेशनल आ रहा है, ये तो रैशनल नहीं है। सच क्या है, फैक्ट क्या है कि ये रूट टू क्या है हमारे पास, इरेशनल है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि जो हमारा रूट टू है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। अब ये देखो ये रूट में ही आ रहा है ना, लास्ट में ये स्केयर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये रूट में ही आ रहा है। तो हमने बस इसमें यही करना है, ऐसे ही करना है, सिंपल। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। देखो हमने रूट टू को इरेशनल प्रूव करना था, तो इसको पहले रैशनल की फॉर्म में हमने खाली मान लिया, सपोज किया, लेट का मतलब मान लिया हमने कि रूट टू को क्या माना हमने कि ये रैशनल नंबर है, तो इसको ए बटा बी या पी बटा क्यू की फॉर्म में बटे में लिख लिया मैंने, ठीक है। अब रूट टू को हमने इसके बराबर लिख लिया कि हमने बोला कि रूट टू किसके बराबर है, रैशनल के बराबर है, ए बटा बी के बराबर है। तो ए बटा बी इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर हो सकता है ना, मतलब ये कंपोजिट है तो ये प्राइम होगा, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो प्राइम नंबर है इन दोनों कंपोजिट नंबर्स का फैक्टर होगा, तो मतलब ये इनसे ये दोनों नंबर जो है इससे डिवाइड हो जाएंगे, रैशनलिटी यही कहती है, ठीक है। अभी हमने इसको सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये आई। अब इसको स्केयरिंग बोथ साइड किया, स्केयरिंग दोनों साइड करने के बाद हमने ये इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, टू बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, ये सॉल्व करने के बाद आया। लेकिन यहाँ पे देखो जब ये आया तो यहाँ पे हम ये टू और ए स्केयर को हमने थ्यूरम के अकॉर्डिंग मानना है कि अगर ये वाला ए स्केयर ये टू ए स्केयर के साथ डिवाइड हो सकता है, तो ये टू खाली ए के साथ भी डिवाइड हो सकता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बताया ये यहाँ पे डिवाइड, ये ए स्केयर डिवाइड टू ऐसे बताया, ये समझाने के लिए बताया ये पार्ट जो है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये जो डिवाइड हो सकता है इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने ए को कोई और इंटीजर के बराबर मान लिया, कि हमने खाली प्रूव करने के लिए ए को जैसे सी के बराबर मान लिया, ये टू साथ यही रहेगा, ये जो टू है हमारा, क्योंकि रूट टू निकाल रहे तो यही रहेगा, लेकिन सी हमने कोई और इंटीजर ले लिया यहाँ पे प्रूव करने के लिए। इस ए की जगह पे, इसकी जगह पे इसको स्टार माना, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद देखो ये फोर सी हो गया, तो हमने यहाँ पे ये बता दिया कि रैशनल के अकॉर्डिंग ये टू और ये फोर तो आपस में कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन बी और सी की हमें वैल्यू नहीं पता। तो बी स्केयर इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड टू टू आर टू वन आर टू 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 आर फोर, तो कितना हुआ, ये टू और फोर कट गए यहाँ से, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लो यहाँ पे टू वन आर टू और टू टू आर फोर, तो यहाँ पे खाली बी स्केयर इज इक्वल टू टू सी स्केयर बचा ना। अब बी स्केयर को हमने सॉल्व किया तो बी स्केयर क्या हो, बी स्केयर इज इक्वल टू टू रूट टू सी स्केयर, तो सी का स्केयर और रूट कट जाएगा, लेकिन टू का रूट तो रहेगा, रूट टू ही रहेगा। तो रूट टू हमें पता है, फैक्ट क्या है कि रूट टू इरेशनल है, लेकिन हमने माना था कि ये रैशनल है, तो वो तो हम गलत थे, क्योंकि रूट में आ रहा है तो हमें ये पता है कि कोई भी प्राइम नंबर जो रूट में आता है उसका जो वो नंबर होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखे, ठीक है। ये चलो अगर नहीं समझ आई है तो आगे वाला रूट थ्री करते हैं, हम रूट थ्री करेंगे, या क्वेश्चन है आपका रूट फाइव वाला तो आपको वैसे समझ आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये बोल रहे यहाँ पे रूट थ्री, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, ये मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही है, देख लो। ये बोल रहा है प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, तो रूट थ्री को हमने क्या मान लिया कि रूट थ्री रैशनल नंबर है, हमने ऐसे मान लिया कि ये रूट थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर है, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। तो रूट थ्री को हमने ए रैशनल है तो उसको वटे में लिख मान लिया, रूट थ्री को हमने मान लिया कि ये ए वटा बी के बराबर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दी, ए इज इक्वल टू रूट थ्री बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे उधर किया था, है ना, ऐसे किया था, तो ए इज इक्वल टू रूट थ्री बी। यहाँ पे इसके बाद दोनों साइड स्केयरिंग कर ली, देखो ये कितना हो जाएगा, थ्री स्केयर बी, तो ये थ्री थ्री बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो अब यहाँ पे ए को हम कोई तीसरा इंटीजर मान लेते हैं, थ्री सी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे थ्री पुट किया तो ये थ्री 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 वन आर थ्री थ्री आर नाइन कट जाएगा, है ना। बी स्केयर इज इक्वल टू कितना बचेगा, थ्री सी स्केयर, है ना। तो मतलब बी का उधर जाएगा तो ये रूट थ्री हो जाएगा, लेकिन सी का कट जाएगा, तो बी इज इक्वल टू रूट थ्री सी बनेगा। लेकिन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ये जो है ये आपस में जो ये थ्री है ये इस बी के साथ डिवाइड हो सकता है, थ्योरम ये कहती है, हमने ये मान के चला था। लेकिन यहाँ पे देख लो ए और बी को हमने प्राइम माना था, को प्राइम नंबर है जिनका कोई भी वन से वन के अलावा कोई भी एच सी एफ नहीं होता, तो हमने सीधी सी बात है यहाँ पे हमने कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग ये माना था कि ये रैशनल, लेकिन ये आया हमारा इरेशनल है, रूट थ्री हमें पता है इरेशनल होता है, कंक्लूड में यही है। तो ये इस तरह का, इस तरह से करना है। अब आगे क्वेश्चन भी आपका रूट फाइव हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल्स हैं, ये आप कर सकते हो, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। ये ऐसे ही आपके क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। अब देखो फाइव हमारे पास प्राइम नंबर है, फाइव क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर का रूट इरेशनल होता है, ये इसने बोला है कि ये आप खाली इसको प्रूव करके बताओ कि ये इरेशनल कैसे है। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया है,
प्रूव दैट, क्या बोल रहा है कि रूट फाइव इज इरेशनल, तो वैसे ही करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 है आपकी और इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो रूट फाइव को हमने क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, इसको प्रूव करके बताना है, सिंपल। तो सबसे पहली बात, हम क्या इसकी सॉल्यूशन में, मैं इसका प्रूफ लिख रहा हूं। मान लो लेट रूट फाइव इज रैशनल, आप ये मान लो कि रूट फाइव क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये आपने मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो जब ये रैशनल होगा तो मतलब किसकी फॉर्म में होगा, ए बटा बी की फॉर्म में होगा, इसी फॉर्म में होगा ना, ए बटा बी की फॉर्म में होगा, या पी बटा क्यू की फॉर्म में होगा, मैं ए बटा बी ले रहा हूँ। तो अगर ये इसकी फॉर्म में होगा तो इसको इसके बराबर लिखेंगे ना, कि रूट फाइव किसके बराबर है, ए बटा बी, हमने ये माना, खाली एज्यूम किया, ये इसके बराबर हमने मान लिया, ठीक है। जब इसके बराबर हमने इसको मान लिया तो हम इसको सॉल्व करेंगे इसी इसकी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, रूट फाइव, ये बी पीछे चला जाएगा, बी टाइम रूट फाइव हो जाएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा, यही बना। अब इसको स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्केयरिंग बोथ साइड, इसकी दोनों साइड स्केयरिंग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो बी रूट फाइव का होल स्केयर इज इक्वल टू ए का होल स्केयर, ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, मैं इधर कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, बी का स्केयर हो जाएगा, बी ये बी का भी स्केयर है, रूट फाइव का भी स्केयर है, मल्टीप्लाई रूट फाइव का, इसका स्केयर करेंगे जब तो ये स्केयर और ये रूट कट जाएगा, इक्वल टू, देखो ए का स्केयर तो ए का स्केयर ही रहेगा ना, क्योंकि ए का स्केयर हो गया था तो ये वैसा ही रहेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, बी स्केयर फाइव इक्वल टू ए का स्केयर, सेम वैसे ही है ना, बी स्केयर फाइव इक्वल टू ए का स्केयर। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, फाइव नंबर क्या है, यहाँ पे फाइव नंबर है, तो मतलब ये फाइव प्राइम नंबर है, तो ये फाइव जो है ये इस ए के साथ डिवाइड हो रहा है, अगर ये फाइव इस एक ए स्केयर के साथ डिवाइड हो सकता है तो ये फाइव ए के साथ भी डिवाइड होगा, जैसा मैंने आपको शुरू में थ्योरम में बताया था, ठीक है, मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा, आपको ये समझ आनी चाहिए। तो देखो ये अगर इसके साथ डिवाइड हो सकता है, तो मैंने आपको बोला था ना ये ए और बी कंपोजिट नंबर होंगे, और तो ये रूट इसका, ये फाइव जो है इसका, हमने मान के चला कि ये अगर कंपोजिट नंबर है तो ये फाइव इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए इस ए को ये मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू कोई, ये फाइव है तो फाइव ही रखेंगे यहाँ पे, फाइव का फाइव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएबल है या नंबर इंटीजर है, इसको इसकी वैल्यू सी मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू फाइव सी हमने मान लिया, हमने क्या माना, ए इज इक्वल टू फाइव सी। तो जब ए इज इक्वल टू फाइव सी माना, इसको इक्वेशन स्टार कर दो, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट ए इज इक्वल टू फाइव सी इन इक्वेशन स्टार, इसमें पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बी का स्केयर फाइव, या फाइव बी का स्केयर भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइव बी का स्केयर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखो ए का स्केयर है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, फाइव सी, यही हो जाएगा ना, यहाँ पे देख लो फाइव बी का स्केयर कितना हो जाएगा, अब फाइव का स्केयर भी होगा, सी का स्केयर भी होगा, तो फाइव का स्केयर क्या होता है, फाइव मल्टीप्लाई फाइव, और पाँच को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव फाइव बार 25, सी को खुद से दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्केयर हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि फाइव और 25 थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये फाइव और ये 25, एक देखो 25 कंपोजिट नंबर है, मान रहा है कंपोजिट नंबर, 5 इसका प्राइम फैक्टर है ना, 5 के टेबल में 5 5 25 आता है, तो सिंपल सी बात है, 5 1 और 5 5 5 और 25, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1b का स्केयर, या 1 ना भी लिखो तब भी ऐसे लिख सकते हैं 5c का स्केयर, तो b की वैल्यू निकालेंगे, b इज इक्वल टू रूट ऑफ 5c स्केयर हो जाएगा, तो ये आगे जाके b इज इक्वल टू, ये रूट दोनों गए तो अलग अलग कर दो, रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट सी का स्केयर, तो ये और ये कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू रूट फाइव और c हो गया यहाँ पे। अब ये चीज़ देखो, b और हमने यहाँ पे बस a और b माना था, तो a की जगह पे c हो गया, ये c क्या है, c यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो c है ये हमने, ये जो यहाँ पे a माना था ना, a को हमने c के बराबर माना है, तो ये c की वैल्यू a ही रहेगी, यहाँ पे c की वैल्यू क्या रहेगी, a ही रहेगी, तो मतलब आप इसको यहाँ पे देख लेना, ये सी क्या है, ये ए के बराबर है, हमने पीछे शुरू में मान के रखा है, तो ए की जगह पे हमने सी भरा हुआ है। तो देखो
हमें पता है ये बी अगर 5 के साथ डिवाइड हो सकता है तो बी स्केयर भी इसके साथ हो सकता है डिवाइड, है ना, ये कह सकते हैं। तो मतलब हमारा, हमने ये मान के चला था कि ये जो बी है ये और ये रूट फाइव है ये रैशनल है, हमने ये मान के चला था। लेकिन हमारा ये तो रूट में आ रहा है, सॉल्व करने के बाद भी रूट में ही आ रहा है ना, तो रूट फाइव तो हमें पता है कि इरेशनल होता है, हमें पता है ना, ये प्राइम नंबर भी है और रूट प्राइम नंबर का रूट भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल है। तो कंट्राडिक्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं द फैक्ट इज रूट फाइव इज अ इर रैशनल। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने रूट जो टू वाला था वो भी ऐसे था, थ्री वाला भी ऐसे, और भी कोई प्राइम नंबर है तो वो भी आपको ऐसे ही निकालना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं अब आगे। अब क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 टाइम रूट फाइव इज इरेशनल। अब ये बोल रहा है कि ये बताओ कि 3 + 2 टाइम रूट फाइव इज इरेशनल, इसको प्रूव कर, ये है इरेशनल है ये भी, इसको हमने प्रूव करके बताना। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। 3 + 2 टाइम रूट फाइव, तो इसकी सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया था कि हम इसको मानेंगे, मान लेंगे लेट 3 + 2 टाइम रूट फाइव इज अ रैशनल। इसको क्या मान लेंगे, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये मान लो, मान लिया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में होगा, ए वटा बी की फॉर्म में होगा या पी वटा क्यू की फॉर्म में होगा, वटे में होगा मतलब, ठीक है। तो वटे में होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए वटा बी, ऐसे होगा ना, होगा। अब यहाँ पे ए वटा बी जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर। मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो है इसके साथ ये डिवाइड हो सकता है। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रूट वालों को अलग करेंगे, जो रूट वाले हैं ना, ये जो रूट वाला, इसमें देखो रूट वाला क्या है, आपने ये ध्यान रखना हमेशा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको शुरू शुरू में जब ये वाली वीडियो शुरू की थी तो तब मैंने आपको बताया था कि अगर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को हम ऐड करें तो आंसर में इरेशनल आता है। तो मतलब यहाँ पे ये 3 जो है ये एक इंटीजर है, इसमें कोई रूट नहीं है ना, कोई भी रूट नहीं है, इसको हम रैशनल बना सकते हैं, मतलब 3/1 लिख सकते हैं। प्लस ये जो 2 है, 2 भी एक तरह का इंटीजर है, 2 के हम नीचे 1/1 करेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 का बटा अगर हम 1 कर दें तो ये भी रैशनल बन सकता है ना, ऐसे देख लो, ये समझा रहा हूँ। अगर मैं 3/1 कर दूँ प्लस 2/1 कर दूँ, 1/1 डाल के ये दोनों रैशनल बन सकते हैं। लेकिन रूट फाइव हमें क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल होता है, प्राइम फैक्ट, ये प्राइम नंबर का रूट है तो ये इरेशनल होता है। तो यहाँ पे अगर आप इरेशनल नंबर के साथ किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो आंसर में इरेशनली आता है। तो यहाँ से भी आप ये, आपका ये कंसेप्ट निकलता है कि ये इरेशनल है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। तो देख लो, तो हमने इसको ए बटा बी के बराबर माना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम खाली क्या कर रहे हैं, 2 टाइम रूट फाइव को इधर ही रखो, इजिकल टू ए बटा बी कर लो, तो ये उधर जाके -3 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसका बटा कुछ नहीं तो 1, सॉल्व कर लो, इसको कैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ए ए वन आर ए -3 BR 3 B/B1 RB, ये हो गया ना। अब देखो ये इधर 2 टाइम जो रूट फाइव है, इसमें ये जो 2 है ये रूट फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये उधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट फाइव इज इक्वल टू ए -3 B/B, ये हो गया बटा बी। देखो अब इसमें देखो ये इस पूरी की पूरी राइट साइड वाली एक्सप्रेशन जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसके साथ डिवाइड करना है तो मतलब ये हो जाएगा 2/ इसका, इसको 2 को भी अगर बटे में कर लूँ तो 2/1 लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा रूट फाइव इज इक्वल टू ए -3 B/B, तो ये उल्टा हो जाएगा नीचे से, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, ए -3 B/2 B, ये किसकी वैल्यू आई, रूट फाइव की वैल्यू आई, है ना, रूट फाइव की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि रूट फाइव इसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, एक चीज़ आप और देखो, उसने ये बोला ना कि रूट फाइव इज इक्वल टू ए -3 B/2 B आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो फाइव है, ये फाइव थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फाइव जो है इस पूरे का क्या है, फैक्टर है, मतलब अगर इस ये फाइव जो है इस पूरे के साथ डिवाइड हो सकता है,
हो सकता है यही बोला उसने, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देख लो, आपको वो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने ऊपर किया स्केरिंग किया बोथ साइड, इसमें स्केरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रूट फाइव हमने प्रूव कर चुके हैं कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल है। हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट फाइव जो है इज इरेशनल है, तो सीधी सी बात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो फाइव है ये इनका फैक्टर है, ठीक है। अगर ये इनका स्केयर लेते हैं तो ये फाइव इनसे हो सकता है, तो हम सीधे सीधी सी बात कह देंगे कि 3 + 2 टाइम रूट फाइव इज अ इर इज इरेशनल, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा, आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते हो क्योंकि हम फाइव को अलग से कर चुके हैं, तो हमने बस इसको फाइव को अलग किया, ये पूरा फाइव के बराबर है ना, हमने ये बोला कि ये जो ये पूरे आगे वाली ये जो एक्सप्रेशन है, ये फ्रैक्शन पूरा आगे वाला, ये फाइव के बराबर है, ये किसके बराबर है, फाइव के बराबर। तो फाइव को हम पहले से इरेशनल प्रूव कर चुके हैं, तो अगर ये पूरा फाइव के बराबर है, अगर ये इरेशनल हुआ तो ये भी तो इरेशनल ही होगा ना, दोनों बराबर है ना, ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे भी यही पार्ट दिए हुए हैं ऐसे ही, तो मैं इसमें से आपको एक दो पार्ट ही करवाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या, 1/√2, तो हमने इसको इरेशनल प्रूव करके बताना, इसलिए प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में इसको क्या मान लेते हैं, लेट या एज्यूम 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, हम इसको रैशनल मान लेते हैं। अगर रैशनल है तो ये किसकी फॉर्म में होगा, ए बटा बी की फॉर्म में होगा या पी बटा क्यू की फॉर्म में होगा, तो इसको इसके इसके बराबर लिख लो। हम ऐसे लिख लेते हैं 1/√2 इज इक्वल टू ए बटा बी, लिख लिया ए बटा बी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, हमने रूट टू को अलग करना है, बस हमने क्या करना है, रूट टू को अलग करना है। तो देखो ऐसे कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं ऐसे करूँ √2/1 कर दूँ इक्वल टू b/a, ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना √2/1 इक्वल टू b/a, ऐसा लिख सकता हूँ है ना। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इक्वल टू √2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो √2 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर में 1 है तो उस मतलब उसको ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू b/a, लिख सकते हैं ना √2 इज इक्वल टू b/a। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंट्राडिक्शन के टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें पता है, हमने इसको रैशनल माना था, हमने ये ए बटा बी रैशनल है तो बी बटा ए भी रैशनल होगा है ना, तो इसको हमने रैशनल माना था, लेकिन √2 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पीछे, ऑलरेडी प्रूव्ड कि √2 इज अ इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है, अगर √2 इरेशनल है तो बी बटा ए भी क्या होगा, इरेशनल होगा, बिकॉज √2 इज इक्वल टू बी बटा ए, तो ये सारा किसके बराबर है, 1/√2 के बराबर है, क्योंकि 1/√ को ही √2 को ही हमने ऐसे करके इस तरह से लिखा है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगला कोई इसका और पार्ट देख लेते हैं, जैसे 7 टाइम √5, ऐसा मैंने आपको करवाया, ये वाला करवाया है ना, तो ये जो है ये दोनों वैसे मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इसका मैं आपको एक पार्ट ये दूसरा करवा देता हूँ, ये आपने खुद करना है, ये ऐसे ही करना है। इसमें क्या करोगे, 6 को अलग कर दोगे √2 के उधर लेके चले जाओगे, और ये 7 ये आपका √2 इरेशनल प्रूफ पहले किया हुआ, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं दूसरा करवा रहा हूँ 7 टाइम √5, तो दूसरा पार्ट क्या है इसका, 7 टाइम √5, इसको कैसे करेंगे देखो, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम या लेट कर लो 7 टाइम √5 इज रैशनल, हमने ये माना कि ये रैशनल है, ये मान लिया, अगर रैशनल है तो ये ए बटा बी की फॉर्म में होगा, तो इसको ऐसे करेंगे 7 टाइम √5 इज इक्वल टू ए बटा बी है ना। हमने बस ये रूट वाला जो है इसको अलग करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो 7 है ये √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देख लो
ये सेवन जो है ये वाला सेवन रूट फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा सिंपली। तो इसको ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट फाइव इज इक्वल टू ए बटा बी है ना। तो अब इसकी पूरे का बटा, अब सेवन का बटा कुछ नहीं तो आप वन कर सकते हो, तो ये पूरा सेवन बटा वन उधर डिवाइड हो रहा था, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ए बटा बी मल्टीप्लाई वन बटा सेवन हो जाएगा। तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बटा सेवन बी, यही हो जाएगा। तो देखो ये सारा किसके बराबर है, रूट फाइव इक्वल टू ए बटा सेवन बी। अब देखो ये तो हमारे पास क्या है, एक तरह का रैशनल, इसको रैशनल कह सकते हैं, इसको रैशनल कह सकते हैं क्योंकि वटे में है, लेकिन रूट फाइव तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल है। तो हमने कंट्राडिक्शन, अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ कंट्राडिक्शन, जिसमें हमने थ्योरम्स में उसने बताया था कि ये जो फाइव का ये पूरा फैक्टर होगा, ये फाइव जो है इस पूरे का सॉरी फैक्टर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हम रूट फाइव को पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इरेशनल है, तो ये ए बटा सेवन बी जो है ये भी इरेशनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि रूट, इफ रूट, देखो इफ रूट फाइव इज इरेशनल देन ए बटा सेवन बी इज आल्सो इरेशनल। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, सो सेवन टाइम रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर कह सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी, आप जब भी वीडियो देखोगे तो बीच बीच से अगर वीडियो देखोगे तो समझ नहीं आएगी, इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्टिंग से, तभी आपको ये समझ आने वाला है। तो इसका एक जो पार्ट बचा वो आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।